व्हाट्स अप गाइस, तो गाइस सब सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट, बट हमारा रेलवे वीडियो का पार्ट टू। यस गाइस, हमारा और दूसरा मतलब रेलवे वीडियो का पार्ट टू आ चुका है, जिसमें कि हम हमारी प्यारी इंडिया की रेलवे मॉड्स को शोकेश करने वाले। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ ये ट्रेंस लगा दिए जो कि उसके इंजन है, और इसे इग्नोर करना। ये भी आपको मिल जाएगा, आपने शायद से कार्टूनों में देखा होगा शायद से। और इसके लिए थ्रोटल आगे गाइस, ये अलग ही कुछ तो मतलब कहीं को बेकार चीज़ें जाने दो गाइस से, गाइस बहुत बेकार चीज़ें से छोड़ते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन ट्रेनों की तरफ, जो कि है ये। अरे वेट, शायद शुरू की नहीं अभी तक। अरे हाँ, रुक चुकी है गाइस, मुझे लगा अभी भी वो जा रही है। सो गाइज, हमारे इस ट्रेन मॉड ट्रेन के अंदर हमें बहुत सारे ट्रेन मिल जाते हैं। यहाँ पे तो बस मैंने सिर्फ और सिर्फ चार लगाए, जिनमें से बस तीन ही काम के, और ये एक तो फालतू सा है। और आपको मैं पहले ही बता दूँ, आपको इस मॉड को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीसी लगेगा। मेरा पीसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें आप देख सकते हो मुझे कितने FPS मिल रहे हैं अभी। यस गाइज, बस 50 FPS। जहाँ पे मुझे 200-300 FPS मिलते हैं, उस जगह पे मुझे अभी 50 FPS मिल रहा है। और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लैग भी मार रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेवी ट्रेन मोड है। और गाइज, ये ट्रेन बिल्कुल हमारी इंडियन रेलवे के ऊपर ही बेस्ड है। तो ओके गाइज, मैंने यहाँ से 5000 ब्लॉक लंबी वाली ट्रेन की पटरी बिछा दी है, और अभी यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बिछाई। और अपने पीसी का बुरा हाल, जैसे कि 10 FPS तक आ गई थी इस रेलवे ट्रैक को बिछाते बिछाते। सो अभी मैं यहाँ पे अपने ट्रेन को नीचे रखने वाला हूँ। और गाइस, मैंने यहाँ पे ट्रेन नीचे रख दी है, और इस पर हम बैठते हैं लेफ्ट क्लिक करके। और गाइस, ये अभी चलने वाली नहीं, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बायोडीजल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको इस फोल्डर में मिल जाएगा, पैकेट ऑफ बायोडीजल। सो आपको ये एक बकेट से बिल्कुल काम नहीं होने वाला, आपको इसके लिए कम से कम आपकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री होनी चाहिए, तब जाके आपकी ट्रेन तकरीबन 10,000 ब्लॉक तक जा सकती है, वरना इसकी माइलेज आप छोड़ दो कि अच्छे से चलने वाली है। सो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से सारे के सारे बकेट्स को इसके अंदर ढाल देता हूँ, और देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा पेट्रोल खाती है ट्रेन। सो अभी मैं और भी तेज़ी से ढालने की कोशिश किए जा रहा हूँ, और इसका पेट भरने का नाम नहीं ले रहे। और गाइस, सो आपको 16 और 16 के बिल्कुल 2 स्टैक ऑफ बायोडीजल लगेंगे, जो कि एक बकेट में फिट होती है। सो गाइज, मैंने अभी से स्टार्ट करने देना है, जिसके लिए बस मुझे अपने कीबोर्ड में साइड पे प्लस का आइकन दबाना पड़ेगा, जिसके बाद ये ट्रेन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आपको देखना है गाइज, ये देखो अब बूम। यस गाइज, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। अभी गाइज, मुझे इसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाना चाहिए, वरना अभी बहुत तेज़ आवाज़ करने वाली है अभी कुछ समय के लिए। सो अब जाके हम हमारी ट्रेन के अंदर बैठ के इसको हम इंजॉय कर सकते हैं। और गाइज, इसे आपको चलाने के लिए आपको सबका नम पैड लगेगा, आप अपना WSD छोड़ दीजिए, और फिर हम जैसे इसमें 8 दबाएंगे, ये अपनी थोड़ी सी थ्रोटल बढ़ाएगी। गाइज, यहाँ पर मैंने 8 दबाया, थोड़ा सा बड़ा, एक और बार दबाया, थोड़ा और बड़ा, एक और बार दबाया, अब इसने अपनी चलने की रफ्तार शुरू कर दी है। सो अब ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। और चाहे तो गाइज, हम इसके पीछे बहुत सारे कोचेस भी लगा सकते हैं, जिसमें आप बैठकर ट्रैवल भी कर सकते हो। सो इसे मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, फिर यहाँ पे कोचेस भी ऐड करूँगा। सो गाइज, अभी मैंने इसको शायद से पूरा 0 कर दिया है, इसे मैं 0 नहीं करता गाइज, फिर मैं आपको इसके कोचेस में जाके बैठ के दिखाता हूँ। गाइज, ये देखो यहाँ पे कोचेस, यहाँ पे इसकी खिड़कियाँ भी है। और गाइज, शायद से अब हम एक टनल के अंदर है, सो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, और अब हम टनल से बाहर भी आ रहे हैं। सो गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ उस ट्रेन के लास्ट स्टॉप में। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।